स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई। साथ ही उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। आजादी के 74 साल बाद पिता को ये सम्मान मिलता देख बोस की बेटी अनीता काफी खुश है। पिता के आजादी के लिए किए गए संघर्ष से लेकर गांधी जी के अन्याय पर वो क्या सोचती है, देखिए हमारी ये खास बातचीत में। मैं बहुत खुश हूँ कि नेताजी की मूर्ति इतनी महत्वपूर्ण जगह पर लगाई जा रही है। एक अच्छी पहल है। मैंने जो होलोग्राम देखा वो भी मुझे काफी पसंद आया। आज़ादी के समय में कांग्रेस सरकार का मानना था कि आज़ादी अहिंसा मूवमेंट और गांधी जी के ही प्रयासों से मिली है, इसलिए बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को तब उनके हिस्से का श्रेय नहीं मिल पाया। In the 1930s, when Netaji was elected Congress president, 1930 में नेताजी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, पर तब गांधी जी ये बात नहीं चाहते थे और उन्होंने नेताजी को कांग्रेस से बाहर किया। पर 1946 में स्थिति अलग थी। तब गांधी जी और मेरे पिता दोनों ही ये चाहते थे कि बंटवारा ना हो, पर तब कांग्रेस ने गांधी जी की बात को भी अनसुना किया। तब भड़की हिंसा ने गांधी जी को तोड़ दिया था। उस समय अगर नेताजी होते तो उन्होंने गांधी जी का साथ जरूर दिया होता और शायद तस्वीर अलग होती। If other parties don't want that, अगर दूसरी पार्टियों को मूर्ति लगाने से परेशानी है तो मैं नहीं जानती कि वे क्या चाहते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर नेताजी के अलावा किसी भी और की मूर्ति वहां लगनी चाहिए तो वो सिर्फ महात्मा गांधी हैं। Other than Netaji, and that is of course Mahatma Gandhi. नेताजी उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। वे उस समय पार्टी की कमान संभाले हुए थे, तो एक तरह से वे प्रधानमंत्री की सभी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और प्रधानमंत्री जैसी पावर भी उन्हीं के पास थी। You might see he was like a prime minister. Religion was very important for him, but he was a Hindu. उनके लिए अपना धर्म बहुत जरूरी था, पर वे बाकी धर्मों का भी सम्मान करना जानते थे। मेरे हिसाब से किसी एक धर्म का देश होने की सोच ठीक नहीं, और नेताजी भी यही मानते थे। मैं हैरान हूँ कि देश में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया है। ये ना सिर्फ देश के लिए बल्कि सरकार के लिए भी खतरनाक है। I think that is first of all dangerous for the country, it's also not good for the government. He certainly would not have approved of the fact that नेताजी को भारत और पाकिस्तान के बीच की तनातनी ने परेशान जरूर किया होता। वे दुखी होते कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है, पर उन्हें गर्व होता कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। He would have approved of the fact that India rightfully can claim that it's the most populous democracy in the world. Thank you and Jai Hind. शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।